Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Here is Rahil Ahmed and a very warm welcome to all of you. As you know that we are discussing about thermodynamic. So far we have discussed many basic topics of thermodynamic. In last lecture we discussed some basic terminologies which are important for understanding the calorimetry. And today we will discuss about direct calorimetry. So the topic of today is direct कैलोरीमीट्री। देखिए लास्ट टाइम हमने कैलोरीमीट्री पे बात की थी कि व्हाट डू वी मीन बाय कैलोरीमीट्री, कैलोरीमीट्री का मतलब क्या है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितनी भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी उन पर हमने डिस्कशन की थी, ठीक है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबस्शन एंड सिमिलरली इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्यूशन फॉर्मेशन, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की। अगर स्टिल आपको उन टर्मिनोलॉजीज में या उससे पहले भी किसी टॉपिक में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हम उस पर बात कर सकें। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डायरेक्ट कैलोरीमीट्री पे बात करेंगे। देखिए वहां पे हमने एक बात डिस्कस की थी कि कैलोरीमीट्री के दो मेन मेथड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट कैलोरीमीट्री और एक को हम कहेंगे इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री। तो आज हम मेन बात करेंगे डायरेक्ट पे और फिर नेक्स्ट टाइम हम इनडायरेक्ट पे बात करेंगे। डायरेक्ट कैलोरीमीट्री में सबसे पहली चीज आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट का मतलब क्या है, क्या हम इसको डायरेक्ट कैलोरीमीट्री क्यों कहते हैं और दूसरी तरह को आप इनडायरेक्ट कैलोरीमीट्री क्यों कहते हैं। देखिए डायरेक्ट मेजरमेंट जब भी हो ना किसी भी चीज की तो उसको हम सिंपली डायरेक्ट कहेंगे। अब कैलोरीमीट्री का मतलब यह है कि हीट की मेजरमेंट। अब जब किसी भी रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस आती हैं हम जस्ट उस रिएक्शन को लेके डायरेक्टली उस रिएक्शन के प्रोसीड होते हुए हम ये फाइंड कर ले कि कितना हीट चेंज आई, यानी कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या कितनी हीट रिलीज हुई, जस्ट हम उस रिएक्शन चैम्बर को लेकर मेजर कर लें तो दैट इज नोन एज डायरेक्ट कैलोरीमीट्री। तो ये बेसिकली मतलब है डायरेक्ट कैलोरीमीट्री। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्ट कैलोरीमीट्री के लिए आपने याद रखनी है कि डायरेक्ट कैलोरीमीट्री उन रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है जो रिएक्शन कंप्लीट हो विदाउट एनी साइड प्रोडक्ट, कि जो उनमें मेजर प्रोडक्ट है वही बने, साइड प्रोडक्ट ना बने, उन रिएक्शंस में हम डायरेक्ट कैलोरीमीट्री यूज कर सकते हैं। तो ये पहली और इंपॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट कैलोरीमीट्री, डायरेक्ट कैलोरीमीट्री इज यूज्ड फॉर रिएक्शंस विच हैव नो साइड प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान में रखनी है कि डायरेक्ट कैलोरीमीट्री हम उन रिएक्शंस के लिए यूज करेंगे जिनमें कोई साइड प्रोडक्ट ना हो, मेन प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट बने। जैसा कि कौन से रिएक्शन हो सकते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। अब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट नहीं होता, इस तरह की रिएक्शन में हीट चेंजेस को आप डायरेक्ट कैलोरीमीट्री के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कंबस्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो कंबस्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंप्लीटली अगर कंबस्ट करता है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होगी, इसके अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्ट्स हैं और हमें पता है कि हमारा रिएक्टेंट सिर्फ इन्हीं में चेंज होगा, इसके अलावा कोई साइड प्रोडक्ट या कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए हम डायरेक्ट कैलोरीमीट्री को यूज करते हैं। तो ये मेन और इंपॉर्टेंट चीज जो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मुख्तलिफ तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट थी आपने ध्यान में रखनी। अब हम आते हैं कि डायरेक्ट कैलोरीमीट्री या क्या इसको हम मेजर कैसे करते हैं। अब इसमें पहली चीज याद रखनी है कि जो सेटअप लिया जाता है उसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। ये पहले भी मैंने बात की है कि
कैलोरीमीट्री यानी कि हीट को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट जो सेटअप यूज करते हैं उस सेटअप को क्या कहते हैं? कैलोरीमीटर। इट्स ओके। अब यहां पे डायरेक्ट कैलोरीमीट्री में क्या होता है, कैलोरीमीटर जो होता है दैट इज अ कंटेनर, एक कंटेनर होता है जो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। इस कंटेनर को यूजुअली किया गया होता है इंसुलेटर, या इसको आप कह लें इंसुलेटेड कंटेनर, इस तरह का कंटेनर है, ठीक है। ये एक कंटेनर है, ठीक। अब इस कंटेनर में यहां पे इस साइडों पे इंसुलेटेड मटेरियल लगा दिया जाता है ताकि इसके इन साइड पर यहां से हीट इन ना हो और यहां से हीट आउट ना हो, ठीक है। तो एक इंसुलेटेड कंटेनर होता है जो जैसे इस तरह का एक इंसुलेटेड कंटेनर, ठीक है। इसके बीच में हम रखते हैं रिएक्शन चैम्बर, जिस चीज में हम अपना रिएक्शन करवा रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, ग्लास ट्यूब भी हो सकती है, ठीक है, फ्लास्क भी हो सकती है, बीकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसमें रिएक्शन करवाया जाएगा, ठीक है। इसको फिल किया जाता है वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि ये जो हमारा रिएक्शन चैम्बर है, ठीक है, और इसके अराउंड यहां पे क्या है जी, वाटर है। ये वाटर हमने फिल कर लिया, ठीक। अब इसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो यहां पर स्टीरर एडजस्ट कर लिया जाता है। स्टीरर का फंक्शन यह है कि वो जो रिएक्शन चैम्बर है उसमें रिएक्टेंट को मिक्स किया जाए ताकि रिएक्शन प्रोसीड हो। ये टोटल सेटअप है, इंसुलेटेड कंटेनर, उसके बीच में रिएक्शन चैम्बर और उस कंटेनर में वाटर। अब बाहर से सराउंडिंग से हीट ना तो कंटेनर में इन हो सकती है ना आउट हो सकती है। अब जैसे ही ये रिएक्शन, अब इसके साथ एक और चीज याद रखना है कि यहां पे इस वाटर में डिप होता है थर्मामीटर, यहां पे हम एडजस्ट कर लेते हैं एक थर्मामीटर, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। दोबारा से इस सारे को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक मेन कंटेनर जो कि इंसुलेटेड होता है, ठीक है, उसके बीच में वाटर फिल है, वाटर में थर्मामीटर एडजस्टेड, और उस वाटर में हम अपना रिएक्शन चैम्बर रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही रिएक्शन अपनी कंडीशन पर प्रोसीड होना शुरू होगा, अगर वो एक्सोथर्मिक है तो हीट प्रोड्यूस होके कहां जाएगी, वाटर में जाएगी। पहले के मुकाबले में वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर वो एंडोथर्मिक है, यहां का रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ, तो क्या होगा, वाटर की जो हीट है वो हॉट एरिया से किधर जाएगी, कोल्ड एरिया की तरफ। तो हॉट एरिया से हीट मूव करेगी कोल्ड एरिया की तरफ, इट्स मीन वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब हमें वाटर के टेम्परेचर में इंक्रीज आने से पता चलेगा कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है वो कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी हीट कहां पर जाएगी, वाटर में आएगी। अब उतना ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उतना ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। इन सिमिलर मैनर अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुआ तो जितनी हीट उसको चाहिए होगी वो कहां से लेगा, वाटर से लेगा, और उतना ही वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इससे हम फाइंड कर लेंगे इंथैल्पी ऑफ दिस रिएक्शन। अब इसके लिए देखें, याद रखें कि अगर हम कहें कि हमारे सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई, हमारे सिस्टम में क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई पर मोल, और उसके साथ जो टेम्परेचर चेंज आई डेल्टी, तो इसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। देखें हीट कैपेसिटी किसके इक्वल होगी, सी इज हीट कैपेसिटी इक्वल टू क्यू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब पर नंबर ऑफ मोल इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इतने नंबर ऑफ मोल और उसमें ये चेंज आ रही है वो क्या है, हीट कैपेसिटी। और इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो हम ये फाइंड कर सकते हैं क्यू इज इक्वल टू
सी इंटू नंबर ऑफ मोल इंटू डेल टी। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि इस सिस्टम की इंथालपी चेंज कितनी आई। तो इन दिस वे इस सिस्टम की टोटल हीट या इंथालपी चेंज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो आई होप ये डायरेक्ट कैलोरीमीट्री वाला टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।